सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ रियल आईफोन यूटिलाइजिंग हम एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं। एंड आज बिल्कुल ही न्यू मेथड में आपको बताने वाला हूँ, वीएन एडिटर से तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ही न्यू मेथड बताऊंगा आईफोन यूटिलाइजिंग का। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज हम यूज करने वाले प्रीक्वेल एप्लीकेशन एंड इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज एक बार कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, ठीक है। तो ओपन करो, कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। नाउ यहाँ पे सिंपली से आपको प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है एंड सिर्फ सेलेक्ट कर दो, ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले तो यार मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, आप डिक्रीज मत करना, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ इसलिए डिक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ मीन्स मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हो उसमें यार इसका भी साउंड आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे डिक्रीज कर दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर एंड एडजस्ट इन दोनों को यूज करना है एंड आपका जो वीडियो होगा वो एडिट हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले हम फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च वाले बार पे आना होगा एंड यहाँ आपको सर्च करना है इंडिकिड, ठीक है। इंडिकिड हमने सर्च किया, यहाँ पे आपको एक रेड हेयर वाली मीन्स बंदी दिखेगी तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद यहाँ देख सकोगे कुछ ऐसा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा अप्लाई हो जा रहा है। तो आपको सिंपली से क्या करना है, इसके ऊपर टैप करना है एंड इसका स्ट्रेंथ को आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। आप 40 से लेकर 50 के अराउंड रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 41 रख रहा हूँ, देन डन करते। नाउ इस टाइप का आपको यहाँ पे पांच इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इन पांचों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, पांचों लगभग सेम ही है तो आपको किसी को भी सेलेक्ट करोगे कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे फर्स्ट या फिर सेकंड को सेलेक्ट करता हूँ, देन स्ट्रेंथ को सिर्फ हम यहाँ पे कम कर देंगे, वही 40 के अप्रॉक्स में रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना रख दिया, देन डन करते। नाउ उसके बाद फिल्टर का काम हमारा खत्म हो चुका, अब हम आते हैं एडजस्ट के ऊपर। एडजस्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको एडिटिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक्सपोजर को डिक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो एक्सपोजर को मैं डिक्रीज करने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20% डिक्रीज कर लो, 15% कर लो, क्योंकि ये आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने वीडियो के हिसाब से इसे डिक्रीज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने वीडियो के हिसाब से इसे 13 रखता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे इंक्रीज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ इंक्रीज मीन सारी आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें जितना भी एडिटिंग मैं अभी बताने वाला हूँ सब आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, बस मैं आपको स्टेप बता दूँ कि किसे डिक्रीज करना है एंड किसे इंक्रीज करना है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने एक्सपोजर को बहुत ही कम डिक्रीज किया बट ब्राइटनेस को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये चीज आप भी कर लेना। देन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पाना है, इसे डिक्रीज करना है। यहाँ पे आपको हाईलाइट मिलेगा, इसे भी डिक्रीज करना है। शैडो मिलेगा, इसे भी डिक्रीज करना है। मीन्स देखो यहाँ पे जो हमने पांच सेटिंग यूज किया उसमें सिर्फ हमने ब्राइटनेस को इंक्रीज किया, बाकी सभी को डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, आपको कर ही लोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले कुछ सेटिंग जैसे कि सैचुरेशन, तो सैचुरेशन को आपको इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे विवरेंस, इन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको स्किन टोन मिलेगा, तो इसे पूरा डिक्रीज कर सकते हो, ये आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मैं आपको रखना है उतना आप रखना, मेरा पूरा कर देने के बाद अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर पे आएंगे एंड अगर आपके वीडियो में थोड़ा टेम्परेचर हाई है जैसे कि यहाँ देख सकते हो सन रे कुछ ज्यादा ही इसमें आ रहा था जिसके कारण ये पीला पीला हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ इसका टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज करूँ। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कंपलसरी नहीं है, मेरे वीडियो के ऊपर अच्छा लगेगा इसलिए मैं इसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैं इसे थोड़ा और डिक्रीज करता हूँ। ना उसके बाद यहाँ पे आपको शार्पनेस पाना है एंड इसे थोड़ा इंक्रीज कर देना है। देन शार्पनेस को आप अल्ट्रा शार्पनेस को नहीं कुछ करना है। तो देखो यहाँ पे जस्ट हमने थोड़ा सा एडिटिंग किया एंड आप देख सकते हो हमारा आईफोन टाइप का वीडियो एडिट हो चुका है, ठीक है। ना यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया ब्राइटनेस को ज्यादा किया और यहाँ पे जो चार पांच फंक्शन देखने को मिल रहा है सभी को कम कर दिया। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे आए विब्रेंस एंड सेचुरेशन, इन दोनों को ज्यादा किया एंड उसके बाद यहाँ पे स्किन टोन को डिक्रीज किया। टेम्परेचर का तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो करना, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद शार्पनेस को इंक्रीज किया, बस इतना ही तो हमने किया एंड हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर यू बोल आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे आता हूँ एंड इसे इंक्रीज करता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें रनिंग हो रहा है, लोडिंग वाला देख सकते हो यहाँ पे रनअप हो रहा है। तो ये जैसे ही मीन्स हमारा 100% हो जाएगा देन एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसे सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है, एक तो यहाँ पे मीन्स गोल गोल घूमता है या फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे मीन्स शो होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे गोल गोल ना घूमे तो हड़बड़ाना मत, यहाँ से आप मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारा वीडियो एडिट हो चुका एंड आप यहाँ पे देख सकते हो और वीडियो कितना सही एडिट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडिट हो गया, आपने एक्सपोर्ट कर लिया। अब गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली सा सेव वीडियो के ऊपर टैप कर देना एंड ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ओके। देन डन के ऊपर क्लिक करते हैं और वीडियो हमारा एडिट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।